खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि 25 साल से हम रोटरी में हैं और इतना कुछ सीखने को मिला है. आई वुड से दैट बीइंग इन रोटरी हैज़ एनरिच्ड आवर लाइव्स इन ईच एंड एवरी वे. गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद सो मच, बट व्हेन वी गो टू सी दैट देयर इज सच अ नीड इन द कम्युनिटी, इन द विलेजेस, इन द रूरल एरियाज, एंड इफ वी आर एबल टू डू even a little bit for the society, I feel we are blessed. And main support to de hi rahi hu, 25 saal se de rahi hu, because I am also getting to learn so much, to meet all kinds of people, different people, and to understand that in life, you know, there is such a need, especially in India and Mumbai, there is such a need for education, giving clothes to children, skin and organ donation. And now, as a partner, I am planning to start an e-waste project where I feel that all the electronic goods that are not in use anymore are given to the raddiwala, which is causing damage to the environment, and it is filling up the land, which is creating poison. So we are planning to create awareness programs wherein we mobilize the society, the schools, colleges, clubs to collect their e-waste and have it recycled in a scientific manner to protect the environment. So there are so many other avenues in Rotary that one can get involved in, medical projects, and I'm thoroughly enjoying it, and I will support him in each and every way. I am Harjit Singh Anand. गवर्नर साहब भी हरजीत सिंह तलवार हैं, मैं हरजीत सिंह आनंद हूँ और गवर्नर स्पेशल एड पब्लिक रिलेशन. आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज नवे गवर्नर इंस्टॉल हुए हैं और ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोटरी का इंडिया में हंड्रेड सेलिब्रेशन ईयर है और इसके अलावा पहली बार एक सिख गवर्नर बना है जो कि हमें बहुत सिख कम्युनिटी को और सबको बहुत फख्र की बात है. एंड देन ही इज़ फ्रॉम अ आर्मी फैमिली, आज इनके फादर भी थे यहाँ पे जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए हैं. पूरी फैमिली दिल से इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि ये साल मतलब के पंजाबी में बोलते हैं चक दे फट्टे, मतलब ये 100 साल जो है हमारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा. तो 1 जुलाई से रोटरी का नया सत्र शुरू होता है तो पूरे इंडिया भर के अंदर में 38 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर स्टार्ट करते हैं अपना कार्यकाल. इंडिया में करीब 4000 के करीब रोटरी क्लब हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा रोटरी के मेंबर्स हैं. तो इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है कि उस दिन वो लीडरशिप की कमान संभालते हैं, 1 साल तक पूरा सेवा के अंदर में निष्ठा से काम करते रहेंगे. तो उसी की योजनाएं बनी भी रहती हैं और इस दिन से शुरुआत होती है काम की. तो 1 जुलाई इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है. यहाँ पर मुंबई डिस्ट्रिक्ट 3141 नंबर है उस डिस्ट्रिक्ट का, जिसके कि गवर्नर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आज बने हैं हरजीत. इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ये हमारे बहुत सीनियर पास RI डायरेक्टर हैं और इनके कार्यक्रम मतलब कार्यकाल में काफ़ी रोटरी ने प्रगति की है और आज हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं कि ये आज अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं. और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, 3 दिन से ये बीमार चल रहे हैं और आज ये बैठे भी थे स्टेज पे तो गोली ले रहे थे, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि ये एक रोटेरियन का कमिटमेंट होता है कि अगर आपने कह दिया कि हम आएंगे तो ज़रूर आते हैं. मैं इस रात को 12 बजे अपना कार्यकाल समाप्त करके हरजीत जी जो हैं कल से गवर्नर बनेंगे. रोटरी एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, 1.2 मिलियन रोटेरियन है वर्ल्ड वाइड में. हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि लोगों की समस्याओं का हल निकालें, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की यू नो समस्या हो, हम लोग हल निकालते हैं. रोटरी हर साल बहुत अच्छा काम करती है. अब जैसे मेडिकल की आप बात करेंगे तो हम लोग ने अभी बहुत ही बेहतरीन 1000 ऑपरेशन किए हैं ऑन पेडेट्रिक हार्ट सर्जरी, छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी, 2 दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन हम लोग ने करवाया है, यहाँ तक कि हम लोग ने हार्ट रिप्लेसमेंट भी करवाया है हमारे साल में.
तो कहने का तात्पर्य यह है कि रोटरी जो है हर वक्त हर समय यही प्रयत्न करती है कि कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं अगर कुछ समस्या से जूझ रहा हो, चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो, चाहे वो वाटर की समस्या हो। जिम्मेवारी गले में पट्टा आज पड़ा है, बट 2.5 साल से इसकी तैयारी चल रही है। हमारी ट्रेनिंग, हमारी टीम, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, क्या क्या हमने थ्रस्ट एरिया बनाने हैं, सब पे काम जोरों से चल रहा है अभी बस। और 1 जुलाई से सब एकजुट होकर लग जाएंगे अपने थ्रस्ट एरियाज को निभाने में। और हमेशा हम कहते हैं कि लोगों से ये अपील करते हैं जो जो ये वीडियो सुन रहा है कि मंदिरों में हाथ जोड़े जाते हैं, मस्जिदों में हाथ फैलाए जाते हैं, रोटरी ही सिर्फ एक ऐसा जज्बा है जहां हाथ से हाथ मिलाए जाते हैं। आगे बढ़िए, मिलिए हमसे, हाथ से हाथ मिलाइए और हमारा काम में हाथ बटाइए।